नमस्ते और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप मिथिला पेंटिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बॉर्डर को कैसे सजाया जाता है? तो आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मिथिला पेंटिंग में बॉर्डर को कैसे सजाया जाता है ताकि आपकी पेंटिंग खूबसूरत दिखे। तो अब मैंने खाली पेपर लिया है और अब हम ब्लैक कलर और ब्रश लेंगे। वीडियो में मैंने अपना मेन डिज़ाइन सेम रखा है और उसी को डिफरेंट तरीके से डेकोरेट करके आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो मैं बना रही हूँ ये मेरा मेन डिज़ाइन रहेगा इस वीडियो के लिए। तो अपने फर्स्ट बॉर्डर में मैं ये करूँगी कि इसके ऊपर की तरफ मैंने ना एक छोटा सा गुब्बारे के शेप का डिज़ाइन बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके बाकी जगह जो बचे थे उसमें मैंने कलर कर दिया है। अब उसके नीचे की तरफ आते हैं। डिज़ाइन के नीचे की तरफ मैंने कचनी कर दिया है। तो इस तरह हमारा पहला बॉर्डर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे डिज़ाइन में मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह ही कचनी कर दिया और बीच में डिज़ाइन के मैंने कलर से भी आप ये चीज़ कर सकते हो। मैंने वैसे तो ब्लैक से करा है, आप इसको कलर से भी कर सकते हो और ऐसे नॉर्मली भी आप देख सकते हो कि अच्छा लग रहा है ये। तो ये डिज़ाइन बहुत सबसे ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से और अच्छा भी सबसे ज़्यादा यही लगता है। अब थर्ड में मैं मेन डिज़ाइन को डबल लाइनिंग करके और बाकी जगहों पे कचनी करके डेकोरेट करूँगी और बीच में आप कोई भी कलर यूज़ करके कुछ और डिज़ाइन बना दो बीच में। कंप्लीट हो गया, बहुत ही ईजी था ये भी। फोर्थ डिज़ाइन में मैंने फ्लावर जैसे डिज़ाइन बना के उसके अंदर कचनी कर दिया है। और अगर आप अब मेन डिज़ाइन में चाहो तो कुछ डिज़ाइन बना सकते हो अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से। आप जितना अपना क्रिएटिविटी यूज़ करोगे आपकी पेंटिंग उतनी अच्छी लगेगी। फिफ्थ डिज़ाइन में हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ छोटा सा गुब्बारे के शेप का वो डिज़ाइन बनाएंगे और अगर आप उसमें चाहे तो कलरफुल भी उसको कलरफुल भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो उसको मतलब सिंगल कलर से भी करके देख सकते हैं, वो दोनों ही अच्छा लगेगा। आते हैं नेक्स्ट पे। उस पे हम लोग ऊपर की तरफ मेन डिज़ाइन के ऊपर की तरफ गोल बनाएंगे और उसके बाकी जो जगह है उसमें कलर कर देंगे और नीचे की तरफ कचनी कर देंगे। और अगर आप चाहे तो बीच वाले में कलर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये डिज़ाइन भी अच्छा लगता है और आप इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा लगेगा। चलते हैं लास्ट बॉर्डर पे। इसमें मैंने दोनों ही तरफ फूल बनाया है और बीच में आप या तो फूल के अंदर भी कलर कर सकते हो या फिर आप चाहो तो बीच में भी डिज़ाइन करके और फूल में भी कलर करके उसको अच्छा बना सकते हो। ये मेनली कलरफुल पेंटिंग में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये था आज हमारा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मेन डिज़ाइन सेम रख के भी हमने कितने मल्टीपल तरीक़ों से इसे डेकोरेट किया है, उसे सुंदर बनाया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताएं और आगे कौन सा टॉपिक देखना है वो भी कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको मिथिला पेंटिंग सीखना है या आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। Thank you so much.